नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दुनिया भर में साल 2024 का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है, वहीं देश के कई हिस्सों से नए साल के पहले दिन सूर्य उदय की खास तस्वीरें सामने आई हैं। सूर्य उदय की ये तस्वीरें जो लोगों में जोश भरने वाली है। साल 2024 का पहला सूर्योदय मुंबई, भुवनेश्वर, श्रीहरिकोटा, गुवाहाटी, पुरी, कोलकाता और शिमला की ये तस्वीरें। 2024 की पहली किरण, पहला सूर्योदय जो कई सारी उम्मीदें, कई सारी उमंग लेकर आया है, जोश जिसने भरा हुआ है हर किसी में, क्योंकि सूर्य उदय के साथ ही उदय होती है इच्छाएं, उदय होती है कई सारी भावनाएं, कई सारी उम्मीदें, कई सारे जोश इंसान में भरते हैं। खासकर जब साल का पहला दिन हो तो नई जोश, नई उमंग, नई तरंग के साथ सूर्योदय की पहली तस्वीरें, 2024 की पहली किरण अलग अलग शहरों से आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, भुवनेश्वर, श्रीहरिकोटा, गुवाहाटी, पुरी, कोलकाता और शिमला की ये तस्वीरें। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल पर बधाइयां दी हैं। एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सभी को स्वस्थ रहने की कामना की, नए साल के लिए मंगलमय और स्वस्थ हो। तो नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, विशिंग एवरीवन अ स्प्लेंडेड 2024, मे दिस ईयर ब्रिंग फोर्थ प्रोस्पेरिटी, पीस एंड वंडरफुल हेल्थ फॉर ऑल। प्रधानमंत्री ने 7:16 पर ये पोस्ट किया, जिसके जरिए पूरे देश को, सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने नए साल की शुभकामनाएं दी और सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल पर सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी और यहां पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया है, पूजा अर्चना की है गुरु गोरखनाथ मंदिर में। और देखिए ये तस्वीरें जिस दौरान सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। साल का पहला दिन जिसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक के जरिए की है। आज देखिए दिन भी सोमवार का है, हवन पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया। कि साल का पहला दिन और उसमें भी सोमवार। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। माइक्रोटेक, माइक्रोटेक 16 प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी में नए रंग भर रहा है। माइक्रोटेक NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries. With 1 lakh alumni, it offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30-plus state-of-the-art residencies, 40-plus market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. Break के
बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 291 सीटों पर अकेले लड़ेगी। 9 राज्य में 85 सीटों की INDIA गठबंधन से मांगेगी। 14 जनवरी से पहले सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद जताई जा रही है। NSA की बैठक में सीट बंटवारे पर मंथन हुआ है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, लोकसभा चुनाव में 291 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। NSA की बैठक में यह मंथन किया गया है। 14 जनवरी से पहले सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद जताई गई है। NSA की जो बैठक हुई उसमें सीट बंटवारे पर मंथन हुआ है। हमारे साथ सहयोगी कंचन जुड़ गई हैं। कंचन, कांग्रेस अकेले 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी 29 और 30 दिसंबर को कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक के कन्वीनर मुकुल वासनी के घर पे दो दिवसीय बैठक चली। उस बैठक में कांग्रेस के अलग अलग 10 राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और क्या नाम है अध्यक्षों से मुलाकात कर मंथन किया गया कि किन सीटों पे कांग्रेस कमजोर है और किन सीटों पे कांग्रेस मजबूत है। उन्हीं सब चीजों को लेके ये निष्कर्ष सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी 10 राज्यों की 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपने दम पर, और बाकी जहां पे कांग्रेस कमजोर है 9 राज्यों में, वहां पे इंडिया गठबंधन ब्लॉक से 85 सीटों की मांग करेगी। देखिए कांग्रेस अभी फिलहाल केवल 2 ही 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और ये लगातार लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठकें चल रही हैं। तो निष्कर्ष ये निकल कर आया है नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में कि कांग्रेस 10 राज्यों की 291 सीटों पे चुनाव लड़ेगी अपने दम पर और 9 राज्यों के 85 सीटों का लिए इंडिया गठबंधन से मांग करेगी। देखिए हालांकि महाराष्ट्र हो गया और दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे गठबंधन में कांग्रेस को सीट शेयरिंग में दिक्कत तो जरूर होने वाली है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि जो 4 तारीख को जनवरी में होने वाली बड़ी बैठक, जिसमें कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी जिसमें अध्यक्षता करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी स्वयं मौजूद रहेंगे, उसमें ये मंथन किया जाएगा कि लोकसभा चुनावों में 85 सीटों पे जिनकी कांग्रेस मांग करेगी उनको किस प्रकार से साधा जाए, क्योंकि ब्लॉक में एक तरफ पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में एक आम आदमी पार्टी की सरकार है जहाँ पे आम आदमी पार्टी मजबूत भी है, तो वहां पे भी सीटों को लेके थोड़ा दिक्कत है। लेकिन राज्यवार समझना चाहे तो क्या लगता है कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के लिए चुनौती होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? देखिए ममता बनर्जी ने भी स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल में TMC अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आपने पंजाब का भी जिक्र किया, तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस के हिसाब से नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये कुछ इस प्रकार बिहार हो गया, ये इस प्रकार के राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस को सीटें मिल पाना, जितना वो कांग्रेस चाहती है उतनी सीटें मिल पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ये सभी पार्टियां अपने अपने राज्यों में बेहद मजबूत है। इन्हीं सब चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार से, ममता बनर्जी का एक साफ तौर पर कहना है कि मैं लेफ्ट और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाली हूँ, हम स्वयं अपनी सारी सीटों पे खुद चुनाव लड़ेंगे। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बेहद ही मजबूत है, बिहार में महागठबंधन, वहां पे किस प्रकार से सीट शेयरिंग को लेकर पूरा फॉर्मूला तय होगा उसको लेकर रणनीति। चलिए कंचन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च हो रहा है और ये देखिए लॉन्चिंग हो चुकी है। ब्राइट मॉर्निंग ऑफ द न्यू ईयर्स डे मेड ब्राइटर बाय अ मैजेस्टिक लिफ्ट ऑफ। PSLV C58 कैरिंग इंडियाज एक्स-रे पोलरीमेट्रिक सैटेलाइट टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और ये अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। नॉमिनल थ्रस्टिंग बाय PS1 स्टेज
Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा शार्ट ट्रैकिंग स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग द फ्लाइट ग्राउंड लिट स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड दोनों स्ट्रैप ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है Presently, the core S-139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन. First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है This is a confirmation from the range operations director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. As the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, Closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है इसकी पुष्टि हो चुकी है ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल देयर इज अ कंफर्मेशन ऑफ पेलोड फेयरिंग सेपरेशन एंड अ नॉमिनल थ्रस्टिंग बाय द सेकंड स्टेज ऑफ पीएसएलवी द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ शार्ज ट्रैकिंग स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक सेकंड स्टेज सेपरेटेड थर्ड स्टेज इग्नाइटेड द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल द परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड स्टेज इज reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड तृतीय चरण HPS-3 High Performance Third Stage कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS-3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second
to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। खास रच दिया है और साल का पहला दिन जिस दौरान एक और इतिहास रचा गया है इसरो की ओर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सैटेलाइट एक्सपो सेट लॉन्चिंग देखिए, देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। एक्सपो सेट को अंतरिक्ष में भेजा गया, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा, यानी ब्रह्मांड की पूरी स्टडी करेगा ये मिशन जिसे लॉन्च किया गया है। एक्सपोसेट का लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोत का स्टडी करना है और इनमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ल, न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं। इस सैटेलाइट को 500 से 700 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां रहकर ये 5 साल तक डेटा कलेक्ट करेगा। कंबाइंड कोस्टिंग कंटिन्यूज फॉर 200 सेकंड्स, देयरआफ्टर द सेपरेशन ऑफ पीएस3 टेक्स प्लेस, बट पीएस4 कंटिन्यूज टू कोस्ट फॉर अनदर 400 सेकंड्स। ब्रह्मांड के राज जाने का एक्सपो सेट, जिसका लक्ष्य हमने आपको बताया ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोत की स्टडी करना है। लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। ये देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की तस्वीरें आपको दिखाई गई। 9:10 पर लॉन्चिंग की गई। खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, अंतरिक्ष में भेजा गया है। सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। तो एक्सपो सेट की लॉन्चिंग की तस्वीरें आपने देखी, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च, जिसकी तस्वीरें आपको देखिए दिखाई गई हैं। इसरो ने साल 2023 में भी देखिए इतिहास रचा था एक के बाद एक। एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निर्भर हैं, जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सस्पेक्ट। चाहे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो, मिशन आदित्य हो और साल 2024 की शुरुआत एक और नई लॉन्चिंग के साथ, एक और इतिहास रचने के साथ। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी मौजूद हैं और देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च अभी हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी की जाएगी, ब्रह्मांड के राज जो हैं वो इससे खुलेंगे। 2022 को पीएसएलवी C53 द्वारा देखा गया था, फिर 22 अप्रैल 2023 को पीएसएलवी C55 द्वारा OM2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और देखिए श्रीहरिकोटा से अगर हम देखें तो ये 60वीं उड़ान हो चुकी है। तृतीय चरण को श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी की ये 60वीं उड़ान थी, जिसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अंतरिक्ष के राज खुलेगी अब ये सैटेलाइट। दरअसल इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया है। ये दुनिया का पहला और देश का भी पहला मिशन है जो एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। हालांकि इससे पहले नासा ने 2021 में इमेजिंग एक्सरे पॉलरीमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXPE लॉन्च किया था। फिलहाल देखिए इस साल 2024 के पहले दिन इसरो ने इतिहास रच दिया है।
साठवीं उड़ान जिसकी लंबाई 44.4 मीटर रही, वजन 669 किलोग्राम। अब तक पीएसएलवी की 59 उड़ानें हो चुकी हैं और इन 59 उड़ानों में महज 2 उड़ान ऐसी रही जो कि फेल हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।